नमस्कार नन्हे दोस्तों, नमस्कार मेरे श्रोताओं, सबको मैं स्वागत करती हूँ आज के इस नन्हे इंसान के 25वां अध्याय में। नन्हे इंसान इस कहानी की लेखिका हैं श्रीमती बानी पात्रो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। टाटा तो अपनी नए ज़िंदगी के जो मकान है, जो घोंसला है, वहाँ पर कुछ दिनों तक बहुत ही अच्छे से बिताई। सील पट्टे से कैसे मसाला कूटा जाता है वो सीखी, पता है, यहाँ पर ही आकर। कैसे छोटी सी मिट्टी के हांडी में गोबर का जो पानी है उसके साथ मिट्टी मिलाकर कैसे उसको लीपा जाता है कपड़े से, वो भी सीखी यहाँ पर आके। टाटा कोई भी काम को सीखने से डरती नहीं थी। कभी भी जो काम वो नहीं की है वो काम ही वो बहुत जल्दी जल्दी सीख लेती थी और सीख लिया भी। ऐसे काम सीखते सीखते टाटा के दिन अच्छे से बीत रहे थे। शादी के बाद भी टाटा की ज़िंदगी में बहुत सारे अद्भुत घटना घटे हैं और घटा भी शादी के बाद भी, लेकिन टाटा कभी भी भूत नहीं देख पाई। अद्भुत घटना तो भूत लोग क्या बोले, भूत लोग 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 ही घटाते हैं भाई, उनके लिए ही वो सारे हादसे होते हैं, अद्भुत हादसे। तो इसीलिए यहाँ पर भी टाटा भूतों की कहानी नहीं बोल पाएगी। लेकिन भूतों, क्योंकि भूतों की कहानी तो भूत ही कहेगी ना, या कहेगा। तो ऐसे ही काम सीखते सीखते और काम को समझते समझते और उसके साथ साथ आसपास के इंसानों को जानते जानते एक दिन एक विराट हल्ला के समय टाटा को पता चला कि टाटा की शादी के दिन कैसे वो अपमानित हुई थी। इनके घर की लड़की, वो जो लड़की है जब टाटा के पिताजी के घर के छाद में, मतलब छाद बोले तो टेरेस में, जब जब वो खाने बैठे थे वो लोग, टेरेस ये क्या सही होगा, क्या रूफ नॉट टेरेस, तो रूफ में जब ये लोगों का तो रिसेप्शन का मतलब आवभगत का सारे इंतज़ाम हुए थे, तो जब ये लोग खाने के लिए बैठे थे तब वो जो खा रही थी ना, तब उसके खाने के जो थाल है उसमें मिट्टी के गिलास के, तब के ज़माने में केला का जो पत्ता होता ना उसमें खाना खिलाया जाता था, और उसके साथ साथ बोलो वो मिट्टी के जो छोटे छोटे ग्लास होते हैं ना उसमें पानी दिया जाता था। तो भाई वो ग्लास की पानी उसके उनकी जो खाने की वो जो केले के पत्ते का जो थाल है उसमें गिर गया था और ऐसे ही उनको अपमान किया गया था। तो एक दिन जब हमारी टाटा मायके आई तो वो ये सारी बातें अपने माँ को बोली, तो माँ सुन के बोली, अरे तू पहले क्यों नहीं बोली रे, अब तो और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये मैं तो बहुत बाद में सुनी हूँ माँ, ये बोली टाटा। तब भी टाटा के पिताजी और माँ थोड़ा सा खोज खबर किए और क्या घटना घटित हुई है, हुई थी, वो जानने की कोशिश की। तो शादी में जो लोग खाने को परोसने के लिए जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, जिनके ऊपर दायित्व दिया गया था, उनके सबको वो जो क्लब था ना, उस क्लब के सारे सदस्यों को वो ये घटना बताया गया। तो तब मजली दीदी की जो इसको क्या देवर मजली के बाद वाला जो देवर है, जिसको हम जैसे हमारी जो टैटा है वो शेजो है ना, बड़ी दीदी मजली दीदी और ये शेजो है, तो वैसे ही जो शेजो देवर हैं वो कहें मैं तो उसी समय मैं खाना परोस रहा था, और हाँ एक ऐसे ही औरत, मतलब एक लड़की आई, वो काले चश्मा पहन के आई थी, अब परोसने के समय मेरे हाथ हाथ
लग के वो मिट्टी का गिलास जो है ना वो उलट गया था। तो फिर लेकिन मैं फिर से उनको नए केले के पत्ते दिए और अच्छे से नए सिरे से सारे खाने उनको मैं परोसा था। वो तो खाए थे, वो तो खाई थी, अपमान तो नहीं किए हम लोगों ने। हाँ ये तो ऐसा होता ही है, होता था और हमारे साथ भी हुआ है। वो घटना कभी और कभी हम बोलेंगे, अभी तो टैटे की कहानी में हम चलते हैं। हाँ सही में कभी कभी तो ऐसे दुर्घटना घटित हो ही सकता है। टैटे के नए जीवन के इस दहलीज में, हम यहाँ पर ऐसे बोलते हैं, इस नए जीवन के दहलीज में इनकी जो लड़की है वो काले चश्मे के अंदर से वो देखी थी ये पूरा इंसिडेंट, ये पूरा घटना। इसलिए शायद मिट्टी के एक गिलास पानी को, पानी के उलट जाने को वो बाय इंटेंशन, मतलब उसको गिराया जाना, अचानक से गिर जाने को उन्होंने गिराया गया है ये देखे थे अपने काले चश्मे के थ्रू। अब तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मिट्टी के एक गिलास का जो पानी है ना, वो तो खाने के थाल में बह गया और वो पानी टैटा के, वो जो पानी बहा था ना, वो पानी टैटा को पूरे जीवन भर ढोना पड़ा। ऐसे ही दिन चला, महीना चला, टाटा पूरा का पूरा एक साल वहाँ पर बिता दी। एक साल होने के बाद उस दिन को सारे भाई बंधु, फिर इनके दोस्त लोग, फिर सारे अपने रिश्ते नातेदार सारे बहुत खुश होके उस दिन को वो सारे मनाए, क्योंकि उस दिन क्या था, उन लोगों का मैरिज एनिवर्सरी था, विवाह हो वार्षिकी जिसको हम लोग कहते हैं बांग्ला में। तो टाटा के तो वर्षगांठ, शादी के वर्षगांठ अच्छे से मना लिए। एक बात बोले, टाटा के पिताजी लड़का देखे थे, है ना, लड़का देखे थे, लड़के के वंश देखे थे और देखकर टाटा की शादी दे दिए थे, लेकिन मकान नहीं देखे थे, इसलिए मकान है भी नहीं। इसलिए साल दो साल होते होते टाटा को वो जो दहलीज है वो दहलीज छोड़ना पड़ा। नियम विधि कुछ सामान ये सब कुछ बिना ही टाटा को आ जाना पड़ा जिनके साथ उनका पल्लू बांधा था, बंधा हुआ है पूरे जीवन के लिए, उस साथी के साथ। और उसके साथ और एक अस्तित्व रहा, जो अस्तित्व तब भी धरती की रोशनी, दुनिया की रोशनी नहीं देखी। टैटा लोग जब पहुँचे, वो लोग एक किराए के मकान में पहुँचे, पता है, क्योंकि भाई अब जब अपने घर छोड़ना पड़ता है, दहलीज जब छोड़ के आना पड़ता है, तो अब तुरंत थोड़े ना कोई मकान बना सकता है एक आम आदमी। तो उनको तो वो एक भाड़े के किराए पे एक वो लोग एक कमरा, मतलब जैसे अभी के दिन में 1 BHK ऐसे वाला, तब तो फ्लैट नहीं कहा जाता था, लेकिन हाँ मकान में कुछ एक फ्लोर वो लोग किराए पे लिए थे। तो और अब वो जो दहलीज वो लोग पीछे पीछे छोड़ के आ गए थे, उस दहलीज के सबसे बड़ा बेटा था हमारे टैटा की पल्लू जिस साथी के साथ बंधा हुआ है, मतलब उसके पति सबसे बड़ा बेटा था। इसीलिए आर्थिक जो भी दायित्व था उसका मेजर पार्ट, जो सिंह भाग है, वो दायित्व टैटा के उस साथी के ऊपर, उस जीवन साथी के कंधे में आ गया। अब कंधे का बोझा तो हल्का करना ही होगा बोझ, इसीलिए टैटा के जीवन साथी सुबह से रात तक उनका जो पेशा था उसी पेशा में, मतलब उसी काम में पूरे दिन भर कैसे
अच्छे से किया जा सके, इसके लिए विभिन्न उपाय में उसमें ही वो नियुक्त रहते थे। पूरा दिन हमारे टाटा अकेले अकेले रहता था। अपने कमरे में खड़े होके, क्योंकि हम बोल तो रहे हैं दहलीज, हम बोल रहे दहलीज नहीं सॉरी, हम बोल तो रहे हैं कि टाटा के लिए एक फ्लोर किराए पे लिया गया था, लेकिन था तो एक छोटा सा कमरा ही, और उसके सामने बहुत बड़ा एक खाली रूफ, रूफ को हम क्या कहते हैं, छाद, हम लोग बांग्ला में कहते हैं छाद। छाद तो क्या लिखी है टैटा, घरे दाड़िए देखे टैटा एका, सामने किछुटा छाद फाका, घरे देखेछेन घर देखेछेन छेले देखेछेन बाड़ी देखेननि, एत ताड़ाताड़ी छाड़ते हबे ताराओ भाबेननि। कवि कवि भाव छंदेर अभाव। तो मैंने तो यहाँ पर ये बांग्ला वाला जो कविता, ये जो कविता है, मैं उसको ही आप लोगों के सामने परिवेशित की। अब मैं इसका अर्थ अर्थ में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बोलूँगी कि कमरे में खड़े होके टैटा देखी, वो है अकेली, और सामने थोड़ा सा छद, वो भी अकेला। वंश देखा, लड़का देखा, लेकिन मकान नहीं देखी। इतनी जल्दी छोड़ना पड़ेगा ये तो वो लोग भी नहीं सोचे। शायरों की तरह भाव तो है, लेकिन छंदवद जो छंद है उसका अभाव भी है। तो सही में जीवन तो छंदमय नहीं है, हर रोज के काम काज टैटा को करना पड़ता था। सुबह से लेकर रात तक टैटा अकेले उस अकेले छत पे एक कमरे के अंदर अकेले अकेले काम करती थी। कुछ दिन सिर्फ बीते। एक दिन टैटा अपने हर रोज रोजमर्रे की काम कर रही थी, लेकिन और वो कर नहीं पा रही थी। उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगा। उसको बहुत ही कष्ट हो रहा था, कष्ट हो रही थी। टैटा की जो छोरा हुआ दहलीज है, उसके जो बड़ा लड़का यानी कि टैटा के जीवन साथी जो है, वो किसी एक विशेष मतलब कोई एक ज़रूरत ज़रूरी कोई काम से वो उस दिन नहीं तो पूरे सुबह शाम सुबह से रात तक वो काम में ही बिजी रहते थे, लेकिन उस दिन कुछ एक प्रयोजन में कुछ एक ज़रूरत पड़ी थी तो इसीलिए वो वहाँ पर आए थे। तो टैटा को देखकर पूछा, तुम सो लेटी हुए हो क्यों? तो टैटा बोली, मेरा जो तबीयत है ना वो बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत ही ख़राब लग रहा है। तो तब टैटे के जो डॉक्टर अंकल है ना, उनको टैटा के जीवन साथी ने सारा जो घटना है जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनको बोल दिए। तो डॉक्टर अंकल आए, टैटा के बगल में बैठे, उनको उसको चेकअप करने के बाद बोले, मैं तेरी माँ को यहाँ पर भेज दे रहा हूँ है ना, तू भाभी के साथ चले जाना, ठीक है। तो टैटे की माँ वहाँ पर उस किराए के मकान में आ गए, किराए के कमरे में आ गए, चलो ऐसे बोलते हैं। इसके बाद टैटे अपनी माँ के साथ साथ रात को वहीं सो गए, और माँ जो है वो उसके शरीर पे, हाथ पे, पीठ पे, सर पे हाथ सहलाते रहे और कहने लगे सब ठीक हो जाएगा। तो भोर जब ख़त्म हुआ, सुबह हुआ, तो टैटा नर्सिंग होम में होम के लिए रवाना हो गई, और साथ में चली मजली दीदी की सास। अब पता है रास्ते में तब ब्यूगल बज रहा था, और ब्यूगल बजाकर
प्रभात फेरी हो रहा था, प्रभात फेरी हो रही थी, और वो कौन कर रहे थे, स्वाधीन देश की स्वाधीन नागरिक। अब नर्सिंग होम में जो भी नियम विधि सामग्री ये सब छोड़ के ही एकदम आकाश को भेद देने वाला, चीर फाड़ देने वाला आवाज उठा, और उस शब्द में एक उद्घोषणा हुई कि मैं धरती की पहली रोशनी देख लिया है। और ये जो शब्द है, ये शब्द वही शब्द है जो शब्द घर के किसी को भी पसंद नहीं, टैटा जो जिस डॉक्टर के अंडर में थी, वो डॉक्टर बोले जब विजिट में राउंड में आए कि आज सारे सरस्वती जन्मी हैं, क्योंकि दो दिन बाद ही सरस्वती पूजा है। वो जो डॉक्टर अंकल हैं, वो जो डॉक्टर हैं, वो अपने डॉक्टरी की पूरी ज़िंदगी में, मतलब जो लाइफ स्पैन है, स्पैन में बहुत सारे माओं को देखे हैं, जो माएँ सरस्वती को पैदा किए हैं। ये सरस्वती बहुत सारी, ये जो सरस्वती आई हैं नन्हे नन्हे परियों के, नन्हे नन्हे बच्चियों के रूप में, बहुत सारे घर पे लोग पसंद नहीं करते, लेकिन सरस्वती जी सबके बहुत चाहती हैं। कहते हैं कि अगर बात बोला जाए, टैटा की अगर बात बोला जाए, तो टैटा के अंदर प्यार या क्रोध या वितृष्णा कुछ भी नहीं था। टैटा जब सिर्फ और सिर्फ उस अस्तित्व को लेकर किराए के मकान में आई थी, तब वो अस्तित्व सरस्वती की है या कार्तिक की है, टैटा कुछ भी नहीं जानती थी। टैटा के लिए टैटा के अस्तित्व के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक अनुमानुष यानी अनु इंसान है। हो सकता है वो कन्या संतान है, लेकिन वो उसके लिए सिर्फ अनुमानुष है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की अस्तित्व है। टैटे की माँ टैटे और अब टैटे की बेटी, इनको लेकर टैटे की माँ अपने घर वापस आ गई। टैटे माँ बन गई, इसीलिए उसकी दायित्व भी बहुत बढ़ गई। अब उसको खिलाना पड़ता था, सुलाना पड़ता था, और भी कितना कुछ। अभी तो टैटा के पास कोई नहीं आ जा सकते थे, सिर्फ और सिर्फ टैटा की माँ आकर कुछ कुछ काम करके चले जाते थे। कुछ दिन बाद टैटा की जो बेटी है उसकी षष्ठी पूजन है। उस पूजन के बाद तभी सिर्फ सारे लोग टैटा के पास आ सकते थे, मतलब अलाउ किया जाता था षष्ठी पूजन के बाद। और उसी दिन बड़ी दीदी, मझली दीदी सारे आए, और वो लोग टैटा की बेटी को उपहार देकर उसका चेहरा देखे, उसकी क्या बोलूँ, मुखारुबंधु देखे, और टैटा की बेटी के जो पिताजी हैं वो षष्ठी पूजन की सारी सामग्री लेकर आकर अपने बच्चे की सूरत वो निहारे। अब पुरोहित जो है वो षष्ठी पूजन तो शुरू कर दिए। कितना कुछ आचार और अनुष्ठान है, बाप रे। अब ऐसे ही चलता रहा। एक समय पुरोहित क्या किया पता है, एक पूरा का पूरा केले के पत्ते के ऊपर दूध डाल दिए, और उसके बाद नंगे एकदम कुछ नहीं है ऐसे टैटा की बेटी को उसके ऊपर लिटा दिए। अब दूध तो ठंडा था भाई, वो ठंडा लगते ही हमारे टैटा की जो बेटी है ना,
वो फूदकने लगी, मतलब वो सबको बोल दिया, अरे भाई ठंडा है, पीठ में ठंडा लग रहा है। तो और भी कितना कुछ हुआ, सारे नियम पालन कर लिए। फिर अब ये जो दूध में ये जो स्नान है, ये जो नहाना है, इसके बाद तैतया की जो बेटी है वो शुद्ध हो गई, क्योंकि अब तक शुभ शौच चल रहा था। जैसे अशौच चलता है किसी के गुजर जाने के बाद, ठीक वैसे ही कोई अगर जन्म लेती है तो ये तो एक शुभ शुभ इंसिडेंट है, एक शुभ घटना है, इसीलिए कहा, इसको कहा जाता है शुभ शौच। तो इसके बाद टैटा भी शुद्ध हो गई। इसके बाद से टैटा की बेटी को सारे लोग अपने गोदी में उठा सकते थे। टैटा की जो बेटी है ना, वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी और अब तो वो रेंगने भी शुरू कर दी। इसको ना बांग्ला में कहा जाता है हमागुड़ी। वो चार पैर, मतलब घुटने के बल जैसे बच्चे चलते हैं ना, और हाथ के साथ। इसके बाद टैटा की बेटी ना बैठकर चावल, मतलब अन्न खाएगी, और ये जो पहला निवाला है ना, ये मामा को ही, मतलब टैटा के भाई को ही पहला निवाला खिलाना पड़ता है। इसीलिए अच्छा, इसको कहा जाता है अन्नप्राशन, और हम लोग अन्न को चलित बांग्ला में कहते हैं भात। तो अब ये भात खिलाने के लिए सारे तोड़, मतलब सारी तैयारी करने लग गए। टैटा और टैटा की बेटी को साथ लेकर सारे लोग आ गए उस घर पे, जिस घर वो कौन सा घर, कौन सा मकान, उस मकान पे जो दहलीज कुछ दिन पहले तक टैटा है वो गोबर की जो पानी है ना, उससे वो पोछा पोछा नहीं, उसको वो लीपती थी, है ना। उसी मकान में मामा की गोदी में बैठकर टैटे की बेटी पहले पहला अन्न का निवाला खाई। कैसे खाई और मतलब किस तरह से खाई, ये सब टैटा नहीं कह पाएगी, क्योंकि जो प्रचलित रीति है अन्नप्राशन के दिन अपनी बेटी की जो अन्न खाने का वो जो दृश्य है वो माँ के सामने नहीं करवाया जाता है। इसलिए टैटा थोड़ा सा क्या कहते हैं बोलो, थोड़ा सा अंतराल में चली गई थी। असली बात ये है, एक दिन मामा खिलाएंगे चावल और इसके बाद हर रोज माँ को चावल खिलाना पड़ता है। तो भाई इसीलिए माँ को एक दिन रेस्ट दिया गया। अब बहुत सारे बातें हो गए है ना, लेकिन और एक बात यहाँ पर है। इसी दिन कहा जाता है कि भाग्य देवता टैटे की बेटी की जो भाग्य है वो उसके माथे पे लिख के जाएंगे। तो इसीलिए टैटे की बेटी के सामने आप लोग कॉपी बोलते हो अभी हिंदी में, मैं देखी हूँ हिंदी भाषी लोग ज़्यादातर कॉपी बोलते हैं, मतलब मैं जितने लोगों से वार्तालाप की हूँ, लेकिन सही मायने में हम लिख इसको कह सकते खाता, हम लोग वही खाता जानते हैं, ये सिर्फ खाता है जिसमें हम अपना अपना सारे स्कूल के वो होमवर्क वगैरह करते हैं। तो खाता, पेन, उसके साथ साथ बोलो सोना, चांदी, किताब और भी कितना कुछ उसके सामने रखा गया। अब वो जो बच्ची है वो जिस चीज़ को वो अपने हाथों से उठा लेगा या उस मतलब उठा लेगी, वो ही उसके भाग्य की प्रतीक बनेगी। तो टैटे की बेटी ने क्या उठाया पता है, क्या उठाई पता है, वो अपने हाथों से एक पेन को उठा ली। अब अगर सोना होता तो भाई सोना होती तो वो ऐश्वर्य का प्रतीक होती है ना, किताब लेती तो भाई वो विद्या की प्रतीक होती, लेकिन टैटे की बेटी ने कलम पकड़ ली। अब कौन किसके माथे पे क्या भाग्य लिखेगी ये या लिखेगा, ये टैटे समझ नहीं पाई।
और क्या भाग्य है वो भी, मतलब वो भी वो समझ नहीं पाई कौन लिखेगा, कौन किसके माथे पे लिखेगा और क्या कैसा भाग्य है वो समझ नहीं पाई हमारी टाटा। टाटा की जो बेटी है ना, वो तो टाटा के लिए सिर्फ और सिर्फ ओनू मानुष, क्योंकि अभी इंसान होने के लिए अभी उसको बहुत सा रास्ता पार करके आना है। इसीलिए टाटा है मानुष, मतलब इंसान, ये जो शब्द है इसको वो हटा के रख दिया और अणु, अणु परमाणु, वो अणु, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हुआ था दोनों ही बार इससे पहले जब मैं प्रोनाउंस की थी, तो इसीलिए हमारी टाटा है अपनी बच्ची को सिर्फ और सिर्फ अणु बोलती है ना। हमारी टाटा की बेटी को ना दूसरे नाम से पुकारते हैं, भले चाहे हमारी टाटा अपनी बच्ची को अणु बोल के बुलाती है, लेकिन वो, मतलब टाटा की माँ अपनी पोती को, तो पोती नातिन पोतिन, हाँ पोती को दूसरे नाम से ही पुकारती हैं। तो अब अन्नप्राशन तो हो गया है ना, इसके बाद टाटा की माँ टाटा को कही कि भाई अभी तू अकेले उस किराए के घर पे कैसे रहेगी, तुझे नहीं जाना है ठीक है। तब लेकिन जब ये सब बातें हो रही है, तब हमारे अणु क्या कर रही है पता है, अणु मामा के, मतलब अपने नैनिहाल में, नैनिहाल से और अपने दादाजी के घर से और उसके माँ बाबा से मिला हुआ जितने सारे गहने थे वो सारे पहन के, चंदन का आलपोना और वो सारे टीप भी पहन के, एकदम नए नबेली एकदम सुंदर सा सज धज कर टेंटे के गोदी में, तब तो बड़े लोग इतने सारे डिस्कशन कर रहे थे, टेंटे के गोदी में अणु हंस रही थी बहुत खुश होकर। और ये देखकर टेंटे की माँ अणु को बोली, दीदी भाई तुम आज बहुत सुंदर दिख रही हो। और टेंटे को आखिर में बोले, ऐसे छोटी सी बच्ची को लेकर एकदम अकेले वो सिर्फ वहाँ पर एक कमरे में एक छत में कैसे, पूरा खाली उस छत में कैसे, जो अकेले अकेले पूरे दिन कैसे अपना काम वाम करेगी हैं। अब दीदी भाई जब चलने बोलने सीख जाएगी तब चले जाना। टाटा तब समझ पाई पता है, हाँ माँ छोड़कर और कौन समझेगा, कौन समझेगी, क्योंकि माँ तो खुद ही, टाटा को याद है ना वो अपनी गोदी में लेकर अपना गांव छोड़कर शहर में आई थी। तो आज की ये कहानी तो यहाँ पर ही समाप्त होती है, कहीं कहीं में लड़खड़ाई, कहीं कहीं में कौन सा शब्द आप लोगों को, कौन सा शब्द सही होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैं लड़खड़ा रही थी, लेकिन आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी अगर पसंद आए तो ज़रूर ज़रूर इसको सुनना। और अगर कोई माँ चाहती हैं कि उनकी लिखी हुई कहानी वो अगर चाहती हैं कि मैं पढ़ूँ तो ज़रूर मुझे देना, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ इस सेगमेंट को शुरू करने के पीछे सबसे बड़ी जो मतलब सबसे बड़ी जो चालिका शक्ति है वो मेरी माँ है। और इतना कह सकती हूँ कि उनके ही आशीष से, उनकी ही आशीर्वाद से मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ मैं चाहती हूँ। अगर और कोई माँ अपनी कहानी शेयर करना चाहती हैं तो मैं ज़रूर यहाँ पर शेयर करूँगी। तो इस शुभकामना के साथ आज के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अच्छे से रहना, खुश रहना, स्वस्थ रहना और साहित्य में रहना। तो शुभमस्तु।